दोस्तों, शार्क अटैक बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों लोग शार्क अटैक की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि हर साल सैकड़ों लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बीच पर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरता तो वो समुद्र में डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं। फिर भी उनका मन नहीं भरता तो फिर वो समुद्र में और आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर जब शार्क उन पर हमला करती है, फिर उनका मन भर जाता है। ऐसे हजारों केसेस हर साल सामने आते हैं और हर शार्क अटैक के पीछे एक स्टोरी होती है, और आज हम कुछ ऐसे ही शार्क अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, द अनबिलीवेबल रेस्क्यू। अगर इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लव की बात की जाए तो वो है एक माँ का अपने बच्चों के प्रति प्यार। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकती है, और शार्क अटैक की ये स्टोरी भी इसी पर है। तो असल में हुआ यूं, एक माँ अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम सिडनी है, वो दोनों अपना वक्त बिताने के लिए 14 मार्च को न्यू समरने बीच पर गए। और ये बात है 2012 की, जब वो दोनों समुद्र में सर्फ बोर्ड पर पैडलिंग कर रहे थे। उसी वक्त उस महिला की बेटी सिडनी पर शार्क अटैक हुआ। शार्क ने उस लड़की के पैर को अपने दांतों के बीच में जकड़ लिया और उसे पानी के भीतर खींचने लगी, और वो कामयाब भी हो गई। उसने सिडनी को पूरी तरह से पानी में खींच लिया, लेकिन फिर हुआ यूं कि उसकी माँ ने अपनी पूरी जान लगा दी उसे ऊपर खींचने के लिए, और वो ये करने में सक्षम भी हो गई। लेकिन फिर भी बात यहाँ खत्म नहीं हो गई। जब वो दोनों सर्फ बोर्ड पर बैठ गए, उसके बाद उस लड़की पर शार्क ने दोबारा हमला किया और उसके पैर को जकड़ने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन उसकी माँ ने अपना पूरा जोर लगाकर अपनी बेटी को पूरी तरह से ऊपर खींच लिया और उसे उस शार्क के चंगुल से बचा लिया। नंबर 2, कृष्णा थॉम्सन, जो कि पेशे से एक एडवोकेट है। वो और उनकी बीवी अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच पर गए। जब थॉम्सन समुद्र में तैर रहे थे, उसी वक्त उन पर शार्क ने खतरनाक हमला किया और वो शार्क उन्हें समुद्र के भीतर खींचने लगी। शार्क उनका पैर अपने जबड़ों के बीच कुचल रही थी और थॉम्सन अपने हाथों से शार्क की आंख पर पंचेस मार रहे थे, और इसी कारण शार्क ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद फौरन थॉम्सन को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन शार्क ने उनके पैर को इतनी बुरी तरह से जख्मी किया था कि मजबूरन उनका एक पैर काटना पड़ गया। उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता तो वो अब तक हिम्मत हार चुका होता, लेकिन थॉम्सन ऐसे नहीं थे, बल्कि वो इसके बहुत विपरीत है। उन्होंने बताया कि शार्क हमले में गलतियां शार्क की नहीं होती, बल्कि हम इंसानों की ही होती है, क्योंकि हमने हर जगह पॉल्यूशन कर रखा है। इस मामले में हमने समुद्र को भी नहीं छोड़ा, जिस वजह से शार्क गहराई में ना रहते हुए वो किनारे की तरफ आ जाती है और इंसानों पर हमला कर बैठती है। थॉम्सन आज शार्क कन्वर्सेशन में दुनिया के सबसे बड़े एडवोकेट है। नंबर 3, बात है 1964 की। एक अंडरवाटर फोटोग्राफर और फिल्म मेकर हेनरी बोरिस और दूसरे दो गोताखोर, ये सब ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र में तैरते हुए सील को फिल्मा रहे थे। उतने में वहाँ अचानक एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ पहुंची, और जब फिल्म मेकर हेनरी ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों पैर गायब है। शार्क ने उनके दोनों पैर को जिस्म से अलग कर दिया है और वो पैर पानी में तैर रहे हैं, और ये सब कुछ एक कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। खून बहुत ज्यादा बहने की वजह से पानी का उतना हिस्सा लाल दिखने लगा। इसके बाद समुद्र में मौजूद दूसरे गोताखोरों ने उसे बचा लिया। इस भयानक हादसे ने उन्हें पूरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया, और इस हादसे पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है स्वैग शैडोज। नंबर 4, शार्क अटैक ज्यादातर ऐसे समुद्र में होता है जहाँ का पानी बहुत उथला हो, क्योंकि वहाँ शार्क अपने रास्ते का सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाती, और जिस वजह से वो अक्सर किनारे पर आ जाती है। और 6 जुलाई 2001 में कुछ ऐसा ही हुआ। 7 फीट से भी ज्यादा लंबी और 200 पाउंड वजनी बुल शार्क ने एक 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान उस शार्क ने बच्चे के हाथ को धड़ से अलग कर दिया, और उसके बाद शार्क ने उसके लेग पर हमला किया। जैसे ही बीच पर मौजूद दूसरे लोगों ने यह हादसे को होते हुए देखा तो वो फौरन बच्चे की मदद को भागे, और ये सब कुछ किनारे से बहुत नजदीक हो रहा था, जिसके बाद पास में मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने उस बच्चे की मदद की और शार्क से उस बच्चे को बचा लिया, और बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से बच्चा पूरी तरह से अनकॉन्शियस था, जिस वजह से उसका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, और बच्चा 5 हफ्ते के लिए कोमा में रहा था। नंबर 5,
रॉडनी फोन्स ये व्यक्ति शार्क अटैक के मामले में बहुत ही फेमस है क्योंकि उसे शार्क ने इतनी बुरी तरह घायल किया था कि उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। बात है 8 दिसंबर 1963 की, जब रॉडनी फोन्स समुद्र में तैर रहे थे उसी वक्त उन पर शार्क ने अटैक किया और शार्क ने उन्हें बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और वो उन्हें एक सवारी की तरह पूरे समुद्र में घुमा रही थी, कभी पानी के बहुत ही भीतर और कभी बिल्कुल सरफेस पर। इसके बाद उन्होंने शार्क की आंखों पर हमला करना शुरू किया और शार्क ने उन्हें फौरन छोड़ दिया। लेकिन फिर दोबारा शार्क ने उन पर हमला किया और ऐसा लगातार 3 बार हुआ जिसमें वो व्यक्ति पूरी तरह से घायल हो गए। जब वो व्यक्ति डूबने लगा था उसी दौरान शार्क ने उन्हें अपनी बोट के करीब लाकर छोड़ दिया और फिर उस व्यक्ति के साथियों ने उसे बचा लिया। वो इतनी बुरी तरह से घायल थे कि जिसमें से बाहर निकलती हुई उनकी फसलियों को भी साफ साफ देखा जा सकता था और उनके हाथ भी बुरी तरह से जख्मी थे और उनके हाथ में 94 स्टिचेस लगाने पड़े। उनके इंटरनल ऑर्गन भी बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे, उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। अटैक के 1 घंटे बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और 4 घंटे की सर्जरी, पूरे बदन में 360 टाके लगाने के बाद उन्हें बचा लिया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे लोग जिन पर शार्क अटैक हुए लेकिन फिर भी वो बच गए। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।